छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के सामने धरना दिया और भूपेश बघेल सरकार को उसके वादे याद दिलाए। बीजेपी का कहना है चुनाव के समय गंगाजल हाथ में उठाकर घोषणा पत्र पर अक्षरशः अमल करने की सौगंध खाने वाली कांग्रेस अब वादों से मुकरती दिख रही है। भूपेश बघेल सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है, इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार को याद दिलाने के लिए ये प्रदर्शन किया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता अपने घरों के बाहर धरने पर बैठ गए। जगदलपुर में भी 2,500 कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। आज भूपेश बघेल की वादा खिलाफी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल नगर निगम जगदलपुर के द्वारा व्यापक पैमाने पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। शहर के लगभग 400 स्थानों पर ऐसे 2,000 कार्यकर्ता और नेता इस आंदोलन में लगे हैं। न केवल कार्यकर्ता और नेताओं का बल्कि जनता का भी आंदोलन बन गया है। 1.5 वर्ष पूर्व जब चुनावी मैदान में भूपेश कांग्रेस उतर रही थी, तब इन्होंने अनेक घोषणाओं का लोक लुभावन घोषणाओं का एक घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र के नाम से जनता से अनेक झूठे वादे किए। उन्हीं झूठे वादों के विरोध में जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में पहले शंखनाद के रूप में आज जगदलपुर शहर में कर रही है। सभी लोगों से जुड़ा हुआ मामला है संपत्ति कर, जिसमें सरकार ने कहा कि हम न्यूनतम 50% संपत्ति कर कम करेंगे। सभी बेरोजगारों के साथ छल किया, बोला 10 लाख से ऊपर बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सभी बेरोजगारों को जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं होगा 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और सभी तमाम वृद्धा महिलाओं के साथ, विधवा महिलाओं के साथ, निराश्रित वृद्धों के साथ मजाक किया। उनसे कहा कि 1,000 और 1,500 रुपये मासिक आपको पेंशन देंगे। आज भी 300-350 रुपये लोगों को मिल रहा है। तो इस प्रकार से झूठ बोलकर जो सरकार सत्तासीन हुई, अब उसे उखाड़ फेंकने का समय नज़दीक आता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि आज के इस जन आंदोलन में जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।